सिरसा जिला कोविड-19 को हराने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। सिरसा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित कुल 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने कोरोना संक्रमण को मात देते हुए इस जंग पर जीत हासिल कर ली। इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी अहम भूमिका रही। सिरसा नागरिक अस्पताल में संक्रमित दोनों बच्चों का इलाज हुआ और दोनों को लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 2 दिन पूर्व होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। आज फिर एक राहत भरी खबर आई है। कोरोना पीड़ित सिरसा की पहली मरीज व दोनों बच्चों की मां ने भी कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। महिला का उपचार रोहतक PGI में चल रहा था। महिला की भी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, जिसके बाद महिला को रोहतक अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सिरसा नागरिक अस्पताल से एम्बुलेंस महिला को रोहतक से लेने पहुंची है। अब महिला व उसके दोनों बच्चे, जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है, अब स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में अगले 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार इनके स्वास्थ्य की जांच करती रहेंगी। उधर रोड़ी में जमातियों के संपर्क में रहने वाली महिला, जो कि कोरोना संक्रमित थी, उसकी भी एक रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज देर रात तक उसकी दूसरी रिपोर्ट आने की संभावना है। अगर दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है तो सिरसा कोरोना संक्रमण फ्री हो सकता है। सबसे पहला पॉजिटिव केस आया था वर्षा मक्कड़ का, वो अब नेगेटिव 2 रिपोर्टों में हो गया है। लगातार 2 रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं और आज उनको रोहतक से छुट्टी दे दी गई है। हमारी एम्बुलेंस उसको लेने के लिए गई हुई है और वो अब होम क्वारंटाइन हो जाएंगी अपने बच्चों के साथ अगले 14 दिन के लिए। लेकिन वहाँ पे सारी हमारी एक्टिविटी जो चल रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो चलती रहेंगी। और अब हमारे पास सिर्फ एक केस बचा है, वो बारिशा खातून है जो जमात से आई हुई थी, उसका एक सैंपल नेगेटिव आ गया है। दूसरा सैंपल आज भेजा है, देर रात तक हो सकता है आपको एक और खुशी की खबर मिले। सोसाइटी से सर्विलेंस सैंपल जो है वो 244 अभी तक हम भेज चुके हैं और उनमें से 125 की रिपोर्ट जो है वो हमें मिली है। इसमें पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव 124 है और उसकी 119 की अवेटेड है अभी। हम अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग की है और जांच की है, समय समय पर जो फ्लू क्लिनिक हमारी चलती है वो जारी रहेंगी वैसे ही जैसे पहले चल रही थी। इस एक हफ्ते और सख्ती से हम लागू करेंगे ताकि सिरसा ज़िले को बाकी कामों में छूट मिल सके, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और हमारी टीमें मुस्तैद है और हर जगह काम कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 25 टीमें जो हैं वो नॉन कोविड 25 टीमें हैं, वो सारी जगह गांव में जा रही है और वहाँ पे जाके मरीजों का चेक कर रही है और दवाइयाँ भी वितरित कर रही है।